दोस्तों, आप टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा निशा रावल को तो जानते ही होंगे, जो बीते समय करण मेहरा से लड़ाई और डिवोर्स को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरी थी। और अब निशा रावल फिर एक बार लाइमलाइट में आ चुकी है, जहां इनके फिर एक बार लाइमलाइट में आने की वजह इनका डिवोर्स नहीं बल्कि रोहित साठिया के साथ अफेयर है। जी हाँ, इस बार निशा रावल रोहित साठिया नाम के शख्स के साथ अफेयर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। पर जिनके साथ निशा रावल अफेयर को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, वो कौन है? क्या सच में निशा रावल उन्हें डेट कर रही है? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते समय अभिनेत्री निशा रावल काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, जहां इनकी सुर्खियों में रहने की वजह इनके अपने हस्बैंड से लड़ाई थी। बीते समय निशा रावल और करण मेहरा में काफी ज्यादा लड़ाइयां चल रही थी, जहां निशा रावल ने करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था, जिसके चलते इनकी करण मेहरा से डिवोर्स तक की बात हो गई थी। और अब इन्होंने डिवोर्स भी ले लिया है, जिसके बाद करण मेहरा ने बीते समय निशा रावल को लेकर काफी खुलासे किए हैं, जिसे जानकर सभी हैरान रह गए, जिनमें से एक था निशा रावल के साथ रोहित साठिया का अफेयर। जिसके बाद दर्शकों के दिलों में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये रोहित साठिया है कौन? तो आपको बता दें, रोहित साठिया टीवी इंडस्ट्री के अभिनेता राजेश खट्टर के कजिन ब्रदर है। जी हाँ, राजेश खट्टर के साथ इनका काफी पुराना रिश्ता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजेश खट्टर भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिस बिल्डिंग में निशा रावल रहती है। करण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि रोहित ने उनकी और निशा की शादी के दौरान कन्यादान भी किया था, और इस बात को सुनकर दर्शकों को अब रोहित साठिया और निशा रावल की अफेयर की खबरें झूठी लग रही है। वहीं खबरों के मुताबिक रोहित ने अपना फोन ऐसे मोड पर रखा है कि जब जब उन्हें करण मेहरा कॉल करते हैं तो व्यस्त ही आता है, ऐसी आवाज आती है। वेल, ये बातें तो साफ है कि कोई भी इंसान 24 घंटे बिजी नहीं रह सकता। जब निशा से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई तो तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी ओर रोहित साठिया भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में लोग अब निशा रावल और रोहित साठिया से भी उनकी कहानी जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों ने इस मुद्दे पर चुप्पी बना रखी है। और जब इनके कन्यादान की खबरें सामने आई थी, तब से ही खबरें आ रही है कि निशा रावल और रोहित साठिया के बीच कोई लव अफेयर नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, निशा रावल और रोहित साठिया के बीच लव अफेयर की खबरें सच हैं या झूठ? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।